आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांशों को लेकर आया हूँ। उन वाक्यांशों की अभी आपको सभी की आउटलाइन बना के बता रहा हूँ नियम के अनुसार, तो आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। ये वाक्यांश आपकी स्पीड को भी बढ़ाएंगे और गलतियों को भी कम करेंगे। और यदि किसी कारण से आपकी स्पीड फिर भी नहीं बन पा रही है, या गलतियाँ अधिक आ रही हैं, या बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं, चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। क्लासें सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अभी मैं आपको ये वाक्यांश है इनकी आउटलाइन बना के बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला वाक्यांश है अत्यंत हानिकारक। अत्यंत का सब चिन्ह आता है लाइन काट के। हानिकारक के लिए पहले हा बनाइए, ना को आगे बढ़ाइए, इसमें का में रा का आंकड़ा लगाएंगे और इसको कर देंगे आधा, क्योंकि इसके पीछे का लगा हुआ है, व्यंजन को आधा करने वाला नियम लगा देंगे, तो ये आउटलाइन बन जाएगी हानिकारक। इसी प्रकार से ये शब्द है अमन चैन कायम, इसको कैसे बनाएंगे? अमन के लिए अ की मात्रा लगाइए, माँ और ना का आंकड़ा, अमन चैन के लिए चा और ना का आंकड़ा लगाइए, का से इसको काट दीजिए, ये हो गया कायम, अमन चैन कायम। आगे शब्द है आधुनिक प्रक्षेपास्त्र, इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है? आधुनिक के लिए पहले धा बनाइए, ना का आंकड़ा और का, आधुनिक प्रक्षेपास्त्र में पा में रा का आंकड़ा, छा को शा भी बोलते हैं, और पा बनाएंगे और उसमें स्थित का चाप लगाएंगे, ये आउटलाइन बन जाएगी आधुनिक प्रक्षेपास्त्र। ऐसे ही ये शब्द है आधे अधूरे मन से, इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखना? आधे लाइन से ऊपर बनाएंगे, आधे अधूरे मन से माँ बनाएंगे, ना का आंकड़ा और ये सा का आंकड़ा, धा को यहाँ से कट लगा दो, आधे अधूरे मन से। अब आगे शब्द है आश्चर्यजनक रूप से, इसको कैसे बनाएंगे शॉर्ट हैंड में? आश्चर्य बड़े आ की मात्रा है, लाइन से ऊपर सा बनाएंगे, चा में रा का आंकड़ा और ये ना बनाएंगे, इसको आधा कर देंगे क्योंकि इसके पीछे का लगा हुआ है, आश्चर्यजनक, और रूप से के लिए रा बनाइए, इसमें सा का लगा दीजिए आंकड़ा, तो ये आउटलाइन बन जाएगी आश्चर्यजनक रूप से। इसी प्रकार से ये शब्द है अंतिम संस्कार, इसको कैसे बनाएंगे? अंतिम के लिए पहले ना बनाइए और ता बनाइए और माँ बना दीजिए, अंतिम हो गया, संस्कार के लिए सा का आंकड़ा, ना के साथ में सा का आंकड़ा और कामेरा का आंकड़ा, यहाँ कट लगा दीजिए, ना बन जाएगा, ये आउटलाइन बन जाएगी अंतिम संस्कार। अब ये शब्द है आमूलचूल परिवर्तन, इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखना है? आमूलचूल, माँ बनाइए और ला बनाइए, आमूल हो गया, चूल के लिए चा में ला का आंकड़ा और परिवर्तन के लिए पा में रा का आंकड़ा, ता बनाइए और ना का आंकड़ा लगा दीजिए, आमूल चूल परिवर्तन। ऐसे ही ये शब्द है आनंद स्वरूप, इसकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे? बड़े आ की मात्रा है, लाइन से ऊपर डबल ना बनाइए और दा बनाइए, आनंद हो गया, स्वरूप का बना दीजिए इसमें शब्द चिन्ह, तो ये आउटलाइन बन जाएगी आनंद स्वरूप। अब इस शब्द को कैसे बनाएंगे? औद्योगिक घराना, देखिए इसकी आउटलाइन कैसे बनाते हैं? औद्योगिक, ओ की मात्रा है तो धा को कहाँ लाइन पे लेंगे, औद्योगिक, धा बनाइए, या बनाइए, गा को कर दीजिए आधा, क्योंकि इसके पीछे का लगा हुआ है, व्यंजन को आधा करने वाला नियम लगाएंगे, और घराना में घा में रा का आंकड़ा लगाइए, ना का आंकड़ा लगा दीजिए, घा को यहाँ से कट लगा दीजिए, तो ये आउटलाइन बन जाएगी औद्योगिक घराना। अब ये है आगे शब्द आखिरी सांस तक, इसकी शॉर्ट हैंड कैसे बनाएंगे? आखिरी के लिए खा में रा का आंकड़ा लगाइए, आखिरी सांस के लिए सा का आंकड़ा, शाह और तक वाला शब्द चिन्ह लगा दीजिए, ता को आधा कर देंगे क्योंकि इसके पीछे का लगा हुआ है, व्यंजन को आधा करने वाला नियम, आखिरी सांस तक। ऐसे ही ये शब्द है अदम्य साहस, इसकी शॉर्ट हैंड कैसे बनानी है? अदम्य के लिए पहले दा बनाइए और माँ बनाइए, अदम्य साहस के लिए सा और हा के आंकड़े को आगे बढ़ाते हुए इसमें सा का लगा दीजिए आंकड़ा, अदम्य साहस। अब ये शब्द है आग बबूला होना, इसको कैसे बनाएंगे शॉर्ट हैंड में? आग, गा को लाइन से ऊपर बनाएंगे, आग बबूला के लिए पहले बा बनाइए डार्क, फिर बा में ला का आंकड़ा, बबूला और ये होने वाला शब्द चिन्ह लगा देंगे, ये आउटलाइन बन जाएगी आग बबूला होना। ऐसे ही ये शब्द है आस्तीन का सांप, इसकी शॉर्ट हैंड कैसे बनानी है? आस्तीन के लिए आ की मात्रा, शा का आंकड़ा, ता और ना, आस्तीन इसमें का लगाएंगे, का सांप के लिए सा का आंकड़ा और पा,
ये आउटलाइन बन जाएगी आस्तीन का सांप। ऐसे ही ये शब्द है आंदोलनकारी संगठन, इसकी शॉर्ट हैंड कैसे बनानी है, आंदोलन के लिए ना को लाइन से ऊपर, धा बनाइए और ला बनाइए। आंदोलनकारी का मेरा कांकड़ा और इसमें संगठन, सा कांकड़ा गा और ना कांकड़ा, ये आउटलाइन बन जाएगी आंदोलनकारी संगठन। लास्ट में है आत्मविश्वास के साथ, इसको कैसे बनाएंगे, आत्म के लिए ता बनाइए लाइन से ऊपर, विश्वास के लिए वा बनाइए, सा का आंकड़ा, फिर वा बनाइए और सा के आंकड़े के साथ में साथ वाला सब चिन्ह लगा दीजिए। ये आउटलाइन बन जाएगी आत्मविश्वास के साथ। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश थे जिनकी मैंने अभी आपको एक एक की आउटलाइन नियम के अनुसार बना करके बताई है, इनकी आप प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप वाक्यांशों की प्रैक्टिस करेंगे, शब्दों को मिला करके लिखना सीखेंगे, उतना ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और गलतियाँ भी कम होंगी। शॉर्ट हैंड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।